श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन श्लोक क्रमांक 78। आधारम महत आदिनाम प्रधाना पुरुष ईश्वरम ब्रह्मा धार्यमानस्य त्रयः लोकः चकंपिरे आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरं ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कंपिरे। शब्दार्थ आधारं आश्रय महत आदीनाम समस्त भौतिक सृष्टि आदि महत तत्व प्रधान मुख्य पुरुष ईश्वरम सभी जीवात्माओं का स्वामी ब्रह्मा पर ब्रह्म परमेश्वर धारयमानस्य हृदय में धारण करके त्रयः तीनों लोकः लोक चकंपिरे हिलने लगे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोक हिलने लगे। तात्पर्य इस श्लोक में ब्रह्म शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्मन का अर्थ है वह जो न केवल सबसे महान है वरन जिसमें विस्तार की असीम शक्ति है। ध्रुव महाराज ब्रह्म को अपने हृदय में किस प्रकार आबद्ध कर सके इस प्रश्न का उत्तर जीव गोस्वामी ने बहुत अच्छे ढंग से दिया है। उनका कथन है कि भगवान ही ब्रह्म के मूल हैं क्योंकि भौतिक अथवा आध्यात्मिक सब कुछ उनमें समाहित है, अतः उनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवद गीता में भी परमेश्वर कहते हैं मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ। अनेक पुरुष विशेष रूप से मायावादी दार्शनिक ब्रह्म को महानतम सर्व प्रसरण वस्तु मानते हैं, किंतु इस श्लोक से तथा भगवद गीता जैसे अन्य वैदिक साहित्य से प्रकट है कि ब्रह्म का आश्रय भगवान है, जिस प्रकार की सूर्य प्रकाश का आश्रय सूर्य का गोलक है। अतः श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का दिव्य रूप समस्त महानता का बीज है, अतः वह पर ब्रह्म है। चूँकि पर ब्रह्म ध्रुव महाराज के हृदय में विद्यमान है, अतः वे गुरुतम से भी बढ़कर हो गए। इसीलिए उनके भार से तीनों लोक तथा वैकुंठ लोक की सारी वस्तुएं हिलने लगी। महत्वत्व ही समस्त ब्रह्मांडों की, जिसमें सभी जीवात्माएं हैं, चरम परिणीति है। ब्रह्म इस महत्तत्व का आश्रय है। इस संबंध में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रधान तथा पुरुष दोनों का स्वामी है। प्रधान का अर्थ है सूक्ष्म पदार्थ यथा आकाश तथा पुरुष का अर्थ है जीवात्माएं जो सूक्ष्म भौतिक जगत में आकर फंस गई हैं। इन्हें परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति भी कह सकते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कृष्ण ही दोनों प्रकृतियों के नियंता हैं, अतः वे प्रधान तथा पुरुष के स्वामी हैं। वैदिक मंत्रों में भी पर ब्रह्म को अंतः प्रविष्टा शास्ता कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि शिव भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले तथा प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखने वाले हैं। ब्रह्म संहिता से 5:65 भी इसकी पुष्टि होती है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, उसका न केवल ब्रह्मांडों में वरन प्रत्येक परमाणु में प्रवेश है। भगवद गीता 10:42 में कृष्ण यह भी कहते हैं कि विष्ट्याहम इदम कृत्स्नम, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करके उसका नियमन करते हैं। अपने हृदय में परम पुरुष के निरंतर साहचर्य से ध्रुव महाराज ब्रह्म के समान हो गए। इस प्रकार सबसे भारी हो गए जिससे सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। निष्कर्षता ऐसा व्यक्ति जो सदा अपने हृदय में कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करता है वह अपने कार्यों से सारे विश्व को चकित कर सकता है। यही योग की सिद्धि है, जैसा कि भगवद गीता 6:47 में पुष्टि हुई है।
योगिनाम अपि सर्वेशम, सभी योगियों में भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वह अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। सामान्य योगी आश्चर्यजनक भौतिक कार्य कर सकते हैं जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त इन सिद्धियों से बढ़कर ऐसे कार्य कर सकता है जिससे सारा ब्रह्मांड दहल जाए। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीपतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं और इतनी कठोर तपस्या है और ख़ासकर 5 साल का बालक उसके लिए, तो इतना छोटा बालक इतनी कठिन तपस्या करके अभी क्या स्थिति होती है उन 3-4 श्लोकों में वर्णन किया गया। तो यहाँ बताया है कि ध्रुव महाराज ने अपने हृदय में जो परम पुरुष हैं उनको क्या कर लिया, अपने अंदर धारण कर लिया, कैप्चर कर लिया, उनको पकड़ लिया और उनका जो भार है ध्रुव महाराज का इतना अधिक हो गया, इतना अधिक उनका भार बढ़ गया कि तीनों लोग क्या होगा उनके वजन से कांपने लगे, है ना। तो बहुत आश्चर्य की बात है और आगे हम देखेंगे कि ध्रुव महाराज ने कुछ समय के पश्चात वायु लेना भी बंद कर दिया, है ना, और शरीर के जितने भी छिद्र हैं वो सब उन्होंने बंद कर दिए, जिससे क्या हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में वायु का जो प्रभाव है वो रुक गया और सब जगह क्या हो गया, देवी देवता भगवान के पास जाके प्रार्थना करने लगे कि ऐसा क्या हो गया, किसके कारण ऐसी स्थिति बनी है। तो इस श्लोक से और ध्रुव महाराज के चरित्र से हम कई शिक्षाएँ अभी हम सुन रहे हैं, काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। तो कोई भी कार्य करना है, किसी भी कार्य में सिद्धि चाहिए है तो बिना तपस्या के कुछ नहीं होने वाला, है ना। तपस्या मतलब कठिन परिश्रम, है ना, नो गेन विदाउट पेन, है ना। तो हम भौतिक कार्यों में भी देखेंगे, अगर किसी को कुछ चीज़ उपलब्धि प्राप्त करना है या किसी पद पर जाना है या कुछ भी भौतिक जगत में ऐसा कुछ कार्य करना है जो भौतिक दृष्टि से थोड़ा बड़ा चढ़ा है तो उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आलस रहेगा और धीरे धीरे कार्य चलता रहेगा, कार्य को टालता जाएगा और धीरे धीरे और कार्य एक दिन हो जाएगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंती मुखे मृगा, कि सोए हुए शेर के मुख में भी हिरण अपने आप नहीं जाता है, उस शेर को भी क्या करना होता है, अपने शिकार के लिए मेहनत करनी होती है। तो बिना मेहनत किए हुए, बिना कार्य किए हुए हम भौतिक जगत में भी सर्वाइव नहीं कर सकते। हालांकि भागवतम में कई जगह इस श्लोक को बताया गया है कि जिस तरह से भौतिक दुख अपने आप आते हैं उसी लिए भौतिक सुख भी अपने आप आएंगे, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भौतिक दुख और सुख के लिए एडजस्टमेंट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको नित्य जीवन कैसे प्राप्त हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन उसका जो नियत कर्म है, जो भी उसका नियत कर्तव्य बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, उसको करने के लिए उसको कुछ अपने कंफर्ट्स को त्यागना होगा, उसको अपने आराम को त्यागना होगा और उसको तपस्या करना होगा। और हम देखते हैं जो अभी हम किसी पॉलिटिशियन को देखें, है ना, वैज्ञानिकों को देखें या किसी बिजनेसमैन को देखें, उनका जीवन बहुत व्यस्त रहता है, है ना, इतना अधिक व्यस्त होता है कि उनको खुद खाने का समय नहीं होता, है ना, चलते फिरते खाते हैं, है ना, एक टाइम का खाना छोड़ दिया। तो वो क्यों है ऐसा,
क्योंकि उनको पता है कि जब ये मैं कार्य करूँगा तो उसके बाद मुझे कुछ मिलने वाला है ना। मैंने एक महीने कार्य किया तो कुछ सैलरी मिलेगी, या मैंने कुछ सालों तक बिजनेस अच्छे कठोर तपस्या किया, बहुत परिश्रम किया, तो मुझे आगे कुछ मिलने वाला है। या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मानसिक स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर आनंद मिलता है, इसके कारण वो कार्य करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। तो कहने का मतलब, या तो शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर भविष्य में कुछ आनंद मिलने वाला है, भविष्य में कुछ सुख मिलने वाला है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि वो नेपोलियन के बारे में आता है, नेपोलियन कहाँ सोता था, वो सोता नहीं था। जब एक देश से दूसरे देश में जाता था अपने घोड़े से, तो घोड़े के ऊपर सो जाता था। इतना ज़्यादा उसको क्या था, जुनून था, इतना ज़्यादा कि मुझे पूरा यूरोप को अपने अपने कैप्चर में, अपने अपने वश में करना है। तो अभी कोई भक्ति कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई भगवत प्राप्ति कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन क्या आ रहा है कि मुझे पूरा साम्राज्य अपने हाथ में रखना है। तो सो ही नहीं रहे, मतलब ऐसी स्थिति है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, जब समय मिल रहा है, कोई समय नहीं है, मतलब कुछ कार्य नहीं है, तो वहाँ सो गए। और हम देखते हैं गांधी इतने फेमस थे कि जिस भी गांव में जाते थे, जिस भी कस्बे में जाते थे, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आ जाते थे। फेमस बहुत थे, बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते थे, दर्शन करने आते थे, आशीर्वाद लेने आते थे। तो मुश्किल से एक दो घंटे सोते थे, मुश्किल से एक दो घंटे, है ना। तो उनको कहाँ से शक्ति मिल रही है, कहाँ से शक्ति मिल रही है। हमसे सुबह सर्दी में उठा नहीं जा रहा है, हमसे 5 बजे रजाई नहीं छोड़ी जा रही है, और हम किस लिए, भक्ति के लिए, जप करने के लिए, है ना। जो कि हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, वो हमको नहीं हो रहा है, हमको मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ, वो हम सबको नहीं हो रहा है। तो उनको कैसे मिल रहा है, उनको कहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है। हम देखते हैं इंदिरा गांधी मुश्किल से दो ढाई घंटे सोती थी, और पूरे कठिन परिश्रम, है ना, बिल्कुल लगे हुए हैं, ये करना है, ये पॉलिसी लाना है, ये इसको चेक करना है, यहाँ पर ये कार्य है, तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब। तो हम ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बड़ी खोज की है, तो उनका तो पूरा जीवन, महीने, वर्ष केवल लैब में निकले हैं। उनको अपने घर से, घर क्या है, परिवार क्या है, कुछ पता ही नहीं है। उनके लिए पूरा जीवन क्या है, उनकी लैब। दिन रात, सुबह शाम, केवल अलग अलग एक्सपेरिमेंट में जुटे हुए हैं, पूरी तरह से एब्जॉर्ब। खाने का ध्यान नहीं है, खाना छोड़ के कोई गया है ऐसा है कि ऐसे कई वैज्ञानिक हुए, खाना रखा हुआ उनको ध्यान ही नहीं है, है ना। एक वैज्ञानिक फैराडे बोलता है कि मुझे साइंस से प्रेम हो गया, मुझे अपनी लैब से प्रेम हो गया, है ना। तो पूरी तो उनको कहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है, उनको कहाँ से इतना अधिक उत्साह आ रहा है कि वो घंटे घंटे, है ना, रात में 7-8 बजे अपने लैब में गए और सुबह 9-10 बजे निकल रहे हैं, और सोए नहीं है, कोई रेस्ट नहीं है। तो वो पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, फिर अलग रीडिंग ले रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं उनको अपने मानसिक या बौद्धिक स्तर पर आनंद मिल रहा है। तो अगर हम भक्ति की महत्वपूर्णता को समझेंगे, भक्ति हमारे जीवन में कितनी उसकी आवश्यकता है, है ना, वो समझेंगे, तो फिर हम भी कुछ कर पाएंगे, हम भी कुछ अपने कंफर्ट से निकल पाएंगे। तो ये ध्रुव महाराज के हम जीवन से हम देख रहे हैं कि कितना अधिक उनके अंदर डिटर्मिनेशन है। जो उन्होंने 6 महीने तपस्या की है, और जो उन्होंने बताया कि पहले महीने में ये ग्रहण किया, फिर दूसरे महीने में कुछ दिन में ग्रहण किया, फिर तीसरे महीने में और गैप लेके कुछ ग्रहण किया, तो इतना तो शायद हम तपस्या नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारा प्राण अल्प आयुषा कलो इसमिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भागी उपद,
कि शरीर हमारा क्या है, कमज़ोर है, मन से हम कमज़ोर हैं, आयु बहुत छोटी है ना, मिसडायरेक्टेड है, और तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग दुर्गुण हैं। तो कलयुग में इस तरह की तपस्या संभव नहीं है। लेकिन इस वृत्तांत को पढ़ने के पीछे उद्देश्य ये है कि इसके हम सार को समझें, इसके एसेंस को समझें, है ना। ऐसा नहीं कि ध्रुव महाराज की तरह हम तपस्या कर पाएंगे, लेकिन ध्रुव महाराज जिस डिटर्मिनेशन के साथ तपस्या कर रहे थे, कम से कम वो तो हम ला सकते हैं अपने जीवन में, उस स्तर की हम नहीं कर पाए। तो इसीलिए और दूसरा हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने तपस्या किया है ना, उसमें उसके लिए उनको डायरेक्शन मिला, उनको दिशा निर्देशन मिला। किनका दिशा निर्देशन मिला? नारद मुनि का, है ना। सबसे पहले अपनी माँ का मिला, उसके बाद नारद मुनि का मिला। तो तपस्या भी करना है, मेहनत भी करना है, लेकिन किसी के गाइडेंस में रह के करना है। अगर हम ऐसे ही तपस्या करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, लेकिन हम किसी के गाइडेंस में नहीं है, तो क्या होगा? तपस्या करने से कुछ बल तो प्राप्त होगा, कुछ सिद्धि तो प्राप्त होगी, लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं? मिसयूज भी कर सकते हैं, है ना, उसका हम गलत उपयोग भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने उनको क्या किया? प्रॉपरली डायरेक्ट कर दिया, है ना। अभी आप मधुवन में जाइए और मधुवन में अर्चा विग्रह की ये विधि को फॉलो कीजिए, अष्टांग विधि, अष्टांग योग की ये विधि है, उसको पालन कीजिए, और इससे आपको जो आप वांछित इच्छा लेके निकले हैं वो आपकी पूरी हो गई, है ना। तो तपस्या करना है, मेहनत करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा खुद का कोई उसमें मोटिव होगा, हमारा खुद का कोई अल्टीरियर मोटिव होगा। वो तपस्या भी करना है, कठिन परिश्रम भी करना है, वो गुरु के निर्देशन में रह के करना है। गुरु हमको बताएंगे कि कहाँ हमसे कमी हो रही है, है ना, कहाँ हम प्रयास में चूक रहे हैं, है ना, कहाँ हम गलती कर रहे हैं और कैसे उस चीज़ से हमें निकलना है। तो ध्रुव महाराज का प्रयास और नारद मुनि की कृपा, जब ये कॉम्बिनेशन बना तो क्या हुआ? तीनों लोग हिलने लगे। त्रयो लोकास्य कंपिरे, तीनों लोग क्या हो गए? हिल गए, कंपन करने लगे, है ना। तीनों लोग हिलना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो हमारे जीवन में दोनों, इसी दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, हमारा खुद का प्रयास, है ना, प्रयास में कोई ढिलाई नहीं, है ना, और जो हमें आनंद मिलने वाला है वो तो आत्मा के स्तर पर, ये मानसिक आनंद, बौद्धिक आनंद, शारीरिक आनंद, ये अल्टीमेटली क्षणिक है, है ना, ये इनका कोई सार, उनका कोई सब्सटेंस नहीं है, उसमें कोई ठोस कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको भी लोग कर पाते हैं। तो जो आत्मा के स्तर पर जो आनंद मिलने वाला है, उसके लिए कितना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और अगर हम इस तरह से सिंसियर प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में गुरु आएंगे, हमारे जीवन में भक्त आएंगे, और फिर जो सफलता का सूत्र है, यस्य प्रसादान भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतो, कि जिनके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जिनके अप्रसन्न होने से भगवान अप्रसन्न होते हैं, है ना। तो नारद मुनि ने उनको डायरेक्ट किया। फिर इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि अगर हम गुरु के, भगवान के अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो गुरु हमसे असाधारण कार्य करा सकते हैं। अभी ध्रुव महाराज ने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा और मेरे शक्ति के प्रभाव से तीनों लोग हिल जाएंगे। ऐसा तो ध्रुव महाराज को तो बस यही था कि मेरे पिता माँ है उससे, उनसे बड़ा राज्य चाहिए, अभी कैसे मिलेगा उसके लिए मैं रेडी हूँ, है ना। लेकिन ध्रुव महाराज के प्रभाव से ऐसी स्थिति आ गई। तो इसीलिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल आता है कि हमारी खुद की योग्यता नहीं हो सकती, हमारा कोई शक्ति, है ना, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, कि हमारी खुद की योग्यता, खुद का आध्यात्मिक बल, खुद की शक्ति, वो बहुत नगण्य है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर हम गुरु के एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बन गए, गुरु के एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन गए, तो जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो कार्य भगवान हमसे कराएंगे, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं गुरु हमसे वो कार्य कराएंगे। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में आता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, और ये दो बार आदेश मिला था प्रभुपाद जी को। एक बार जब पहली बार फर्स्ट मीटिंग था ना, उल्टा डिंगी रोड पर जब गए थे
प्रभुपाद अपने उनके जो मित्र हैं उनको खींच के ले गए थे, तो वहाँ पर आदेश मिला था। और जब उनके जो गुरु महाराज हैं उनका तिरोभाव से कुछ समय पहले, तो प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ आश्रम में थे और प्रभुपाद जी एक पत्र लिखते हैं अपने गुरु महाराज को कि आपके बहुत सारे समर्पित शिष्य हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे गृहस्थ हैं जो आपकी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, है ना, बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से सेवा कर रहे हैं, है ना, लेकिन मैं तो एक साधारण गृहस्थ हूँ, है ना, और मुझे इतना शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, इतना मैं बहुत विद्वान भी नहीं हूँ, है ना, तो मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊँगा। तो भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर ने उनको रिप्लाई किया, उन्होंने वही चीज़ बोला जो उन्होंने पहली मीटिंग में बोला था, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के लिए कुछ पोएम्स लिखी थी और उसमें से एक पोएम उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखी थी, और इंग्लिश में जो लिखी थी तो उनके गुरु उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे कि जो मिशन को मैं लेके आया हूँ उसको बहुत ही कम शब्दों में ये अभय चरणारविंद दास ने उसको एकदम एसेंस कैप्चर कर लिया, तो बहुत प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि आप अंग्रेजी भाषा अच्छे से जानते हैं और आप गौड़ी मठ में अलग अलग तरह से सहायता कर रहे हैं, तो मेरी यही इच्छा है कि आगे चल के आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में जाकर प्रचार करें। तो श्रील प्रभुपाद उनको फिर से, अरे ये तो दोबारा ये आदेश आया जो सबसे पहली मीटिंग में मिला था, वो फिर से आदेश में। तो श्रील प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, तो राधा दामोदर मंदिर में जब रूप गोस्वामी की समाधि है उनके सामने बैठ के जप करना, है ना, उनके जो कक्ष थे वहाँ पर भागवतम का अनुवाद करना, उनकी जो किचन है वहाँ कुकिंग करना और रूप गोस्वामी से प्रार्थना करना, तो रूप गोस्वामी एक समय ऐसा आता है, रूपा जी वर्णन करते हैं कि रूप गोस्वामी उनको आदेश देते हैं कि अभी आप जाइए और पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार कीजिए, अभी जो भी तैयारी करना था, जो भी प्रिपरेशन था वो पूरी हो गई है, अभी आप प्रथम स्कंद को अपने साथ में लेके जाइए। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर जाते हैं और प्रभुपाद जी बाद में जब प्रचार हो जाता है कुछ सालों के बाद, प्रभुपाद जी अपना ऐसे बोलते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ इतना बड़ा कुछ हो जाएगा, मैं तो जस्ट मेरे गुरु का आदेश था और रूप गोस्वामी उनका आदेश था, इसीलिए मैं केवल प्रयास करने गया था, ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि 5 साल में 8 साल में 10 साल में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाएगा, इतने सारे मंदिर बन जाएंगे, इतने सारे ट्रैवलिंग पार्टीज होंगे, इतने सारे भक्त होंगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया, है ना। तो ऐसे असाधारण कार्य हमारे जीवन में भी क्या हो सकते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हो सकती, ऐसे असाधारण कार्य हो सकते हैं, लेकिन वो असाधारण कार्य हो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गुरु का अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना, है ना। जैसे कोई वो है उपकरण है ना, जैसे कुछ कार्य करना है, अगर उस उपकरण में थोड़ा सा वो टेढ़ा मेढ़ा है ना, या थोड़ा सा वो जंग लगी हुई है उसमें, या जितना वो तीखा होना चाहिए उतना नहीं है, जैसे बहुत सारे जब किसी को चोट लगती है तो चोट लगने के बाद कई इंस्ट्रूमेंट से उसको टाके लगाए जाते हैं, है ना, तो जब टाके लगाए जाते हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं वो बहुत एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई भी जम्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की जंग नहीं होना चाहिए, तब वो जो डॉक्टर होते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर उस इंस्ट्रूमेंट को उपयोग किया तो मरीज को और इन्फेक्शन लग जाएगा, तो उसको जो चोट लगी है वो तो ठीक नहीं होगी, उसके अलावा उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए हमें भी गुरु और कृष्ण के परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनने का प्रयास करना है ना, जब गुरु और कृष्ण के हम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तब भगवान अपनी इच्छा हमारे द्वारा पूरी कराएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि भक्ति करने में हम प्रारंभ में आते हैं, भक्ति में बताते हैं कि भक्ति में आनंद आएगा, चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, वो सब सही है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु से निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, है ना, ये सब बातें सही हैं, लेकिन भक्ति मतलब क्या है, भगवान और गुरु का एक पक्का अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना।
और भगवान और गुरु का हम इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तो भगवान अपनी इच्छाओं को, भगवान जो प्रचार कराना चाहते हैं, भगवान अपने जो धर्म की स्थापना कराना चाहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, है ना, वो हमारे थ्रू कराएंगे, है ना। और अगर हमारे अंदर कलमश है, हमारे अंदर कपटता है, जैसे वो जंग लगी हुई है या टेढ़ा मेढ़ा इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर उसको उपयोग नहीं करेंगे, फिर उसको साइड कर देंगे, फिर दूसरा देखेंगे ये कौन एकदम एकदम निष्कपट है, किसके अंदर सरलता का गुण है, किसके अंदर वो अपने अनर्थों से निकलने का प्रयास कर रहा है, तो फिर गुरु उपयोग करेंगे और हम देखेंगे, है ना। और अगर हमने कुछ कुछ मात्रा में इसका हम अनुभव भी कर सकते हैं कि कई जैसे भक्त अभी पुस्तक वितरण कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो उनको भक्ति में आने से पहले कोई अनुभव नहीं था कि पुस्तकें कैसे बांटी जाती हैं, क्या बोला जाता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो चालू करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी निकलना चालू हो जाती है, फटाफट खट 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 खट, सोचा ही नहीं है कुछ, है ना। और खुद पे भी आश्चर्य आता है कि मेरे से कैसे ऐसे हो सकता है, है ना, मुझसे तो संभव है ही नहीं, लेकिन ऐसे कैसे हो गया। तो वो कैसे हो गया, वो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कि कृष्ण शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो कृष्ण की कृपा है, जैसे कि जंग लगा हुआ तार है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अगर जो वायर है, वायर एकदम अच्छा है, एकदम क्लीन वायर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जंग वाले में ब्लॉक हो जाएगी, करंट लगेगा। उसी तरह से अगर हम एकदम कम से कम इस स्तर पर हैं कि हम अपने अनर्थों को पहचाने हुए हैं और इन अनर्थों से हम निकलना चाहते हैं, तो वो जो कृष्ण कृपा जो है वो हमारे फ्लो होगी और वो फ्लो होकर दूसरे एंड पे पहुंच पाएगी। जैसे बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शक माध्यम, तो पारदर्शक माध्यम कब होगा? जैसे एक कांच है, कांच के ऊपर बहुत सारा वो परत लगी हुई है, बहुत सारी धूल लगी हुई है, तो जितनी भी किरणें आएंगी वो रुक जाएंगी, वो आगे नहीं जाएंगी। तो उसी तरह से हमें भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शक माध्यम बनने का प्रयास करना। तो ध्रुव महाराज के हृदय में परमात्मा है, सबके हृदय में परमात्मा है। तो ध्रुव महाराज को वो जो रियलाइज हुआ, वो साक्षात्कार हुआ, तो ध्रुव महाराज का वेट कितना हो गया, वजन कितना हो गया, कितना वजन हो गया कि पृथ्वी भी नहीं संभाल पा रही है, तीन लोग भी नहीं संभाल पा रहे। अभी सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन ध्रुव महाराज की तपस्या करने से वो परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। परमात्मा क्या कर रहे हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। और ऐसा होता है, आगे के श्लोक में आने वाला है कि ध्रुव महाराज को क्या होता है, अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन होते हैं। आँख नेत्र बंद करके, नेत्र बंद किए होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। और वो नेत्रों को खोलते हैं कुछ समय के लिए और परमात्मा वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। और परमात्मा अदृश्य हो जाते हैं और कुछ समय के पश्चात गरुड़ के ऊपर बैठकर भगवान विष्णु आते हैं, जो परमात्मा रूप में उन्होंने दर्शन किए थे। तो ध्रुव महाराज का क्या हो गया, भार बहुत बढ़ गया। भार क्यों बढ़ गया, क्योंकि अभी भगवान के ऊपर एक ब्रह्मांड का भार क्या है, एक ब्रह्मांड क्या है भगवान के लिए, जो अनंत शेष है, है ना, जैसे उनके बाल हैं उसमें अगर सरसों के दाने पड़े हुए हैं, मान लीजिए राई डाल दिया आपने बालों में और आप कहीं जा रहे हैं, तो राई अनुभव होगी, फील होगा, कुछ राई है वो, तो जब नहाने जाएंगे, बाल साफ करेंगे तो राई निकलेगी उसमें से। तो अनंत शेष के उनका जो सिर है उसके ऊपर एक ब्रह्मांड कैसा है, राई के दाने के जैसा है, मतलब कोई फील हो ही नहीं रहा है। तो जितने भी सारे ब्रह्मांड हैं वो अनंत शेष के सिर पर राई के अलग अलग दाने हैं, वो इतना ही वेट फील हो रहा है। तो वो अनंत शेष कौन है, भगवान कृष्ण के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार है, जिनके सिर के ऊपर एक ब्रह्मांड कैसा है, राई के सरसों के बीज के समान। अगर वो भगवान कृष्ण विष्णु परमात्मा रूप में हृदय में पूरी तरह से प्रकट हो गए, पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो गए, तो क्या हो जाएगा, मतलब कैसी स्थिति आ जाएगी। तो इसीलिए वो ध्रुव महाराज का क्या हो गया, वेट बढ़ गया। तो जिनके अंदर
भगवान प्रकट हो जाते हैं, जिनके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है, उनका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भक्ति में सबका वेट धीरे धीरे बढ़ेगा, वजन बढ़ जाएगा, सब मोटे हो जाएंगे, ऐसा होगा, सब हट्टे कट्टे हो जाएंगे, प्रसाद लेके तो हो ही जाएंगे, लेकिन भक्ति का वेट बढ़ गया। इसलिए गुरु, गुरु मतलब जो कौन है, ज्ञान में, अपने वचन में, अपने आचरण में क्या है, जो भारी है। भारी क्यों है, है ना, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में रखा है, और कृष्ण क्या है, भारी से भारी है और हल्के से हल्के हैं, है ना। तो गुरु कृष्ण के हृदय में है, इसीलिए गुरु बहुत भारी है। भारी इसीलिए है क्योंकि वो जो हमारी आसक्तियाँ हैं, हमारे अनर्थ हैं, उसको वो दूर करते हैं, उसको वो काटते हैं, उसको हटाते हैं। तो वो गुरु का जो भार है, हर कोई सहन नहीं कर पाता है, है ना। इसीलिए गुरु का, वैष्णवों का, भगवान का जो भार है, वो सहन करने की शक्ति सब में नहीं होती, है ना। अधिकतर तो जब भार आता है, प्रेशर आता है, तो फिर वो एक स्तर पर वो पीछे हट जाते हैं, फिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कठिन है, तपस्या करना कठिन है ना। क्योंकि कठिन इसीलिए है क्योंकि हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति बहुत बहुत जन्मों से है, कई जन्मों से हम इंद्रिय तृप्ति का वो विचार लेके आ रहे हैं। तो जब वो आता है कि इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है, भगवान की सेवा करना है, तो वो जो प्रेशर है वो सब फील नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ जैसे ध्रुव महाराज ने असाधारण कार्य अभी चल रहा है, और अगले श्लोक में आने वाला है कि ध्रुव महाराज अपने अंगूठे से थोड़ा सा पृथ्वी को दबाते हैं तो पृथ्वी नीचे जाने लगती है, बस अपने अंगूठे से, है ना। तो इसीलिए जो असाधारण कार्य है ना, प्रचार करना है, वो असाधारण कार्य का मतलब ये नहीं है कि केवल भौतिक जगत की में देखने की दृष्टि से असाधारण होगा, है ना। कोई बहुत लंबे समय से सेवा किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, उसके सेवा में कंसिस्टेंसी है, है ना। उसकी कंसिस्टेंसी कैसे बोलेंगे, स्थिरता है, है ना, उतार चढ़ाव नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो अपने मन के स्तर से निकल रहा है, अपने बुद्धि के स्तर से निकल रहा है। तो भक्ति को पूरे जीवन स्थिरता के साथ करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, है ना। भक्ति में आते हैं, 6 महीने रहते हैं, 1 साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, 5 साल रहते हैं, और कुछ समय के बाद शिथिल होते जाते हैं, उत्साह कम होता जाता है, और एक समय आता है कि फिर भक्ति से हम चले जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है, और ये हमारे जीवन में भी हो सकता है, हम कोई एक्सेप्शन नहीं है, है ना, कोई हम अपवाद नहीं है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे वो शिथिलता क्यों आती जा रही है, सबके जीवन में ऐसा होता है। कुछ समय के बाद लगता है अब तो सब कुछ जान लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, सारी तरह की सेवा भी कर ली है, और लेक्चर में क्या बोलने वाले, एक ही चीज़ तो घुमा फिरा के बोलते हैं, तो वही तो बोलेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, उत्साह धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमारे जीवन में, कम से कम हमारे जीवन में सबसे असाधारण चीज़ क्या होगी, कि अगर हम पूरे जीवन भर स्थिरता के साथ भक्ति कर पाए, वो हमारे जीवन की, कम से कम हम कुछ, हमने कुछ प्रचार में सहयोग किया नहीं किया, कुछ सेवा किया नहीं किया, कम से कम हम अपनी भक्ति पूरे जीवन भर स्थिरता के साथ कर पाए, ये हमारे लिए असाधारण कार्य है, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ध्रुव महाराज के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, तो पूरा ब्रह्मांड ही हिल रहा है उनकी भक्ति से, है ना। तो ऐसा होता है, स्थिरता बहुत ज़रूरी है, है ना। शूटिंग स्टार्स कुछ होते हैं, शूटिंग स्टार्स के बहुत बहुत चमक है, है ना, बहुत लेकिन कुछ समय के बाद वो तारा क्या हो जाता है, गिर जाता है, है ना। तो इस तरह से शुरू में आते हैं और कुछ समय तक बहुत उत्साह रहता है, अच्छे से सेवा करते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन कुछ घर की समस्याएं हैं, मानसिक समस्या है, भक्तों के बीच में कुछ समस्याएं हैं, या कुछ भी हेल्थ, कुछ भी समस्या आता है, तो उससे धीरे 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 क्या, हम हटने लगते हैं। और हम देख सकते हैं, आप लोग भी अपने जीवन में देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भक्त होंगे जो शुरुआत में आते थे, अभी नहीं दिखते हैं, आते नहीं, अभी नहीं आ रहे, सेवा में नहीं आ रहे, तो क्या कारण हो सकता है,
भक्ति तो वही है, हरि नाम तो वही है, भगवान वही है, प्रसाद वही है, तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं वो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाया, कहीं ना कहीं रस्ट है, कहीं ना कहीं जंग है, कहीं ना कहीं हम टेढ़े हैं, है ना। इसलिए टेढ़े हैं, इसीलिए भगवान ने क्या किया, वो टेढ़े और जंग लगे हुए को भगवान उससे अपना कार्य नहीं करेंगे। भगवान को एकदम कम से कम थ्योरेटिकली वो ऐसे हैं, समझ गए हैं तो भगवान को यूज करेंगे। तो हमारे जीवन में भी हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए जो भक्तों का संग है और हम साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं, है ना, वो कोई साधारण चीज़ नहीं है, वो बहुत असाधारण चीज़ है ना। ये इस भौतिक जगत के परे की चीज़ है। अगर इस भौतिक जगत के परे की चीज़ जो हमको प्राप्त हुई है उसको हमने अच्छे से नहीं रखा, अच्छी तरह संभाल के नहीं रखा, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। महान महान आचार्य, उनकी जो बहुत क्लोज एसोसिएट्स हैं, वो चले गए, भक्ति से बाहर चले गए। अभी उससे अच्छा संघ क्या हो सकता है, उससे अच्छा काला कृष्णदास, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ 6 साल थे साथ में, 6 साल चैतन्य महाप्रभु के साथ, सोचो अकेले और कोई नहीं, और कोई नहीं, सोच, है ना। वो जब दक्षिण भारत गए तो डाइवर्ट हो गए, और डाइवर्ट होकर कहाँ चले गए, फिर भक्तों की कृपा से बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु का संघ उनको प्राप्त हुआ। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बहुत सावधान रहना है, है ना। तो ये ध्रुव महाराज के जो चरित्र हम देख रहे हैं उसमें उनको नारद मुनि के वाक्यों पर बहुत श्रद्धा है, है ना। नारद मुनि ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसमें बहुत श्रद्धा है, और उसको वो पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, पूरा लग के प्रयास कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और आगे तो बहुत सुंदर तात्पर्य आने वाला है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर इस संसार में एक शुद्ध भक्त है तो पूरे संसार के चेहरे को बदल सकता है, पूरे संसार के फ्लो को चेंज कर सकता है। ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे और उनके प्रभाव से ऐसी स्थिति आ गई कि देवी देवता भी घबरा रहे हैं, देवी देवता ही भगवान के पास प्रार्थना करने आ रहे हैं, अरे क्या हो गया, ऐसी स्थिति क्यों आ गई। तो एक शुद्ध भक्त के प्रभाव से ऐसा आ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत सारे शुद्ध भक्त बने हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। तो उस इसीलिए हमें चैतन्य चरितामृत में आता ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करे विचार, विचार कर ले पावे चित्ते चमत्कार। कि चैतन्य महाप्रभु की दया पर अगर हम विचार करें, कि चैतन्य महाप्रभु की जो दया है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, उस पर विचार करें, विचार कर ले पावे चित्ते चमत्कार, कि वो चित्त में क्या होगा, चमत्कार होगा, है ना। एक एक्सटेसी आएगी, एक प्रफुल्लता आएगी कि अरे चैतन्य महाप्रभु ये देना है, ये करना है। तो इसीलिए आज और उसी में एक श्लोक आता है कि अगर किसी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है तो सुदुष्कर कार्य भी बहुत सरल हो जाता है। जो बहुत 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 कठिन काम होगा वो भी क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है उसके लिए सरल कार्य भी क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है ना। तो वास्तव में जो नया साल होता है वो तो गौर पूर्णिमा से है, लेकिन बहुत लोग नया साल मनाते हैं तो कुछ हमें प्रण या प्रतिज्ञा या रिजोल्यूशन जो लेना है, कम से कम इतना रिजोल्यूशन लें कि पूरे जीवन भर हम स्थिरता के साथ भक्ति करेंगे। कुछ बहुत सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, बहुत सारा भोग बना पाए, बहुत मंदिर बन गया, भक्त बना लिए, वो तो हमारे लिए बोनस हो जाएगा। हम अपने आप को बचा पाए, पूरे जीवन भर स्थिरता के साथ भक्ति कर पाए, तो कम से कम ये हम रिजोल्यूशन ले सकते हैं और उस रिजोल्यूशन को गौर पूर्णिमा के दिन और पक्का कर सकते हैं। तो अभी समय कम है, यहाँ हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, सकते हैं। गुरु की सेवा कैसे कर सकते? गुरु की दो तरह से सेवा होती है, वाणी सेवा और वपु सेवा। वाणी मतलब उनके जो आदेश हैं उसको पालन करके, और वपु मतलब उनके शरीर से संबंधित जो सेवा हैं उस तरह से करके। तो ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं, वाणी सेवा कर रहे हैं। नारद मुनि ने कहा और नारद मुनि का बात को अक्षर सा पालन कर रहे हैं। कंसिस्टेंट
किसी भी चीज़ में स्थिरता और किसी में चीज़ में उत्साह के लिए उसकी इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में उसकी स्थिरता कैसे होती है कि भाई अभी दिवाली आ रही है, अभी तो माल खरीद के लेके आते हैं, नया साल आ रहा है, फिर होली आ रही है, गर्मी की छुट्टी आ रही है, तो उसका प्लानिंग चलता रहता है ना कि अभी कैसे प्रॉफिट बढ़ाना है, ऐसे ही है ना। तो कोई एक बिजनेसमैन के जीवन को देखो आप, कितना कितना लोभी होता है वो, कितना लालच होता है, बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है। तो हमारे अंदर भक्ति का ये लालच है, भक्ति का लोभ है, हम तो ख़त्म करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, माला ख़त्म हो जाए बस। तो हम देख सकते हैं उनका कोई उच्च उद्देश्य ही नहीं है, उनको क्या पैसा कमाना है, और ऐसा पैसा कमाना है जिसको वो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। और यहाँ पर हम भक्ति कर रहे हैं तो इतना हमारा इगर, इतना लालच है हमारे लिए, इतना लोभ है हमारे नहीं है, तो कैसे आएगी कंसिस्टेंसी, स्थिरता कैसे आएगी। जैसे आपने बताया कि भक्ति में हमें सबसे बेसिक लेवल तक पहले कंसिस्टेंट रहना है, आजीवन कंसिस्टेंट रहे उतना मिनिमम करे, बाद में कुछ प्रचार में कुछ कंट्रीब्यूशन दे या जो भी हमारी दूसरी सेवाएं हैं, भक्त बनाए मंदिर बनाए वो सेकेंडरी बोनस है हमारे लिए। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है ना कि वो केवल एक ही एक चीज़ करने में या एक ही प्रकार की सेवा करने में उस सेवा में जो गुण चाहिए वो तो उसके तरह इसलिए वो सेवा कर पा रहा है, लेकिन दूसरी सेवा करते वक्त जो कठिनाई आती है या उससे जिस प्रकार के अनर्थ निवृत्ति होती है वो कभी वो फेस ही ना कर पाए, वो उस अनर्थ से कभी बाहर ही ना निकल पाए, और जब तक पूरी अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक वो शुद्ध कैसे बनेगी। तो क्या ऐसा नहीं कि बस एक ही प्रकार की सेवा करने से हमारा संपूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, कि तो तब हम समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी, हाँ ठीक है एक ही सेवा जीवन भर करते रहे। लेकिन अगर दूसरी धारणा ऐसी भी है कि दूसरी सेवा प्रकार की सेवा, सपोज किसी का स्वभाव है, जैसे उस समय वैष्णव का जो लेक्चर था, किसी का स्वभाव है अंदर की सेवाएँ करना, अंदर पुजारी वर्शिप है या कुकिंग है, और बाहर जाने में उसको कठिनाई होगी, उसको गुण नहीं है, विचार करने में लोगों को कठिनाई होती है, लोगों को फेस करने में, तो लेकिन वो फिर उसकी उस पर वो कैसे दूर होगा भाई लोगों को फेस करना। तो प्रश्न ये है कि अगर एक तरह की सेवा हम हमेशा करते रहे तो उसमें जो हमारे स्वभाव में थोड़ा फिट बैठ रहा है तो उसमें तो हम जो भी ऊपर नीचे होगा उसको हम फेस कर लेंगे, लेकिन अगर वो दूसरी तरह की कभी सेवा करने का अवसर नहीं मिला और उसमें जो अनर्थ निकलने थे वो कभी निकले नहीं, तो एक तरह की सेवा करने से क्या हमारी जीवन के अंतिम तक अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, यही प्रश्न। हाँ तो यस, इसमें दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, गुरु हमें दो तरह से लगाते हैं। एक होता है हमारे स्वभाव को देखते हुए लॉन्ग टर्म सेवा, है ना, जैसे कि किसी का स्वभाव है कि वो बहुत आउट स्पोकन नहीं है, है ना, बहुत लोगों को खड़े होकर बता नहीं सकता है, लेकिन वो कुकिंग अच्छी कर सकता है, पुजारी सेवा अच्छी कर सकता है, तो वो करे, कोई कमी नहीं है सेवा की। किसी का स्वभाव एक दूसरे तरह का है तो उस तरह की सेवा करे, है ना। तो ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है डू द नीडफुल, जो आवश्यक है वो करना, हो सकता है वो हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन आवश्यक है उस समय के लिए, इसीलिए गुरु के मार्गनिर्देशन में रहकर वो करना, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म भक्ति हमेशा करने के लिए एक एक्सपर्ट गुरु के मार्गनिर्देशन में, गुरु हमको हमारे स्वभाव के अनुसार लगाते हैं, और उस सेवा में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उस सेवा में बहुत सारे अलग अलग उतार चढ़ाव आते हैं उस सेवा में, तो उससे फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि गुरु जानबूझ के शिष्य को वो परेशानी में डालेंगे, यस वहाँ आवश्यक है इसीलिए हाँ अभी तुम ये चैलेंज लो, जबरदस्ती कोई ऐसा नहीं है कि नहीं तुमको कठिनाई लेना है, वहाँ आवश्यक है मूवमेंट को स्थापित करने के लिए ज़रूरी है तो आप ये कीजिए, तो वो डू द नीडफुल। लेकिन लॉन्ग टर्म में गुरु इस तरह से सेवा में लगाते हैं जहाँ हम मानसिक रूप से एक सही से आध्यात्मिक कार्य कर सकें, और उसमें फिर वो चैलेंज देते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है तो वो पूरे जीवन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो जो गुरु होंगे या अथॉरिटी होंगे वो उसमें उनको चैलेंज देंगे, तुम्हें ये करना है, तुम ऐसे करना, तो इस तरह से वो अनर्थ से निकल पाएंगे। और कभी आवश्यकता पड़ने पर उसको छोड़ के दूसरे में आना पड़े तो ये प्रिंसिपल है, क्योंकि वो स्वभाव से निकलना मुश्किल है, लेकिन स्वभाव के अनुसार सेवा में लगाना और वहाँ पर चैलेंजेस देना जिससे वो अनर्थ से निकल पाए, ये संभव है, जीवन के अंतिम तक संभव है। लेकिन उसके मन में ये होना चाहिए कि जो मुझे आदेश मिलेगा वो मुझे करना है। लेकिन गुरु क्या सोचेंगे, इनको अच्छे से मन लगा के कहाँ सेवा कर सकें उनको वहाँ फिट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय।